मैक्सिमा एंड मिनिमा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 मैथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चाह रहे हैं इस पे बेस्ड, तो बिना इंट्रोडक्शन के आप कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, मेरे सेशन में बने रहिए। ये सेशन आपके लिए कंप्लीट है, इसके अलावा और कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की मैक्सिमम और मिनिमम है क्या। तो मैक्सिमम मिनिमम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू भी होते हैं और मिनिमम वैल्यू होते हैं। तो पहले मैक्सिमम और मिनिमम तो समझ लें, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू समझते हैं। तो चलिए सपोज एक ग्राफ लेते हैं, उस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं एक ग्राफ ऐसा ले लिया। अगर ग्राफ को देखने के बाद ये पता चल रहा है ना कि अब इसमें फाइंड आउट करिए कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आया, कि कर्व के कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू किसको बोलेंगे। तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट है ना सबसे ज्यादा पीक पे तो यही है। ठीक है, और थोड़ा इसको ना ये कर्व को इस टाइप से कर लीजिए ऐसा, ताकि ये थोड़ा डाउन लगे। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, टॉप पे है, और ये क्या है एकदम लोएस्ट पॉइंट पे है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट हुआ ना, हाईएस्ट पॉइंट क्या बोलेंगे मैक्सिमा के लिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, अब ये क्या है तो मिनिमा, इसको क्या बोलेंगे मिनिमा। तो मिनिमा को क्या बोलेंगे, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये क्या हो गया मिनिमम कहलाया। अब हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ इसको क्या बोलेंगे मैक्सिमम कहलाएगा। तो इसके आगे और हम बोल सकते हैं एट, क्या बोल सकते हैं एट डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन यहां भी लगा दीजिए एट डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो कुछ भी तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना डोमेन रियल नंबर। ये पूरे के पूरे रियल नंबर है ना, ये इधर जाएंगे तो निगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो कहीं भी डोमेन ले लीजिए, उस डोमेन में ये पॉइंट क्या कहलाएगा मैक्सिमम कहलाएगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा मिनिमम कहलाएगा। तो इसको ले लिया C1, तो यही C1 क्या कहलाया मैक्सिमम। इसको ले लिया C2, तो C2 को क्या कहलाएगा मिनिमम। ठीक है, चलिए और इसी चीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम को, तो हम बोल सकते हैं क्या अपवर्ड, ये डाउनवर्ड कर्व है। ठीक है, तो कर्व डाउनवर्ड आ रहा है ना, अब ये कर्व कैसा है अपवर्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड कर्व इंडिकेट मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। और ये कैसा कर्व है अपवर्ड, अपवर्ड कर्व इंडिकेट मिनिमा ऑफ द फंक्शन, मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और दूसरी तरह से भी समझते हैं। ठीक है, सपोज मैं ये कर लीजिए, ये डाउनवर्ड कर्व ले लेता हूं, इस टाइप का कर्व है डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट पे टेंजेंट। तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट कहलाया। ठीक है ना, टेंजेंट क्या देता है किसी कर्व का स्लोप है ना। तो यहाँ पे जो अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो एक्स एक्सिस के साथ कैसे बना रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.2 में भी ये कॉन्सेप्ट बताया है। तो जब टैंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है तो यहाँ पे जो स्लोप होता है ना वो क्या होता है ग्रेटर देन यू, मींस क्या हुआ ना कि ये जो कर्व क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो जब स्लोप, अब स्लोप डेरिवेटिव क्या देता है स्लोप देता है, अगर मान लीजिए कि फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ का बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये टैंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, इसका मतलब कि स्लोप क्या होगा लेस देन जीरो। ये कर्व क्या हो रहा है, जब स्लोप जीरो है तो इसका मतलब कि कर्व डिक्रीज कर रहा है। तो जब स्लोप लेस देन जीरो है स्लोप कौन देगा डेरिवेटिव देते हैं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। क्लियर। अब यहाँ पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ठीक है, तो यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो ये क्या हुआ टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या होता है जीरो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्लोप को कौन देगा तो डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ पे जीरो हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई कर्व इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने के बाद फिर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा केस में इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो है वो ना मैक्सिमा देगा ठीक है। मान लीजिए C1 ये क्या है मैक्सिमा है। अगर कोई कर्व इंक्रीज कर रहा है देन डिक्रीज कर रहा है देन वी कैन से एट दैट पॉइंट वी कैन से मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। क्लियर ना। अब इसी का अपोजिट अगर कर्व डाउनवर्ड ले लें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टच नहीं हो रहा वो अलग बात है। तो इसका कैसा होगा ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा था इसका मतलब स्लोप क्या होंगे लेस देन जीरो। स्लोप निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ एक कर्व डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे स्लोप बना देते हैं तो ये कैसा बन रहा है एक्यूट एंगल, जब एक्यूट एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, मीन बट ये कर्व क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स डेरिवेटिव क्या रहता है स्लोप होता है ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या रहेगा लेस देन जीरो होगा। अगर कोई कर्व स्टार्टिंग में डिक्रीज कर रहा है और देन फिर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पॉइंट पे क्या होगा वो मान लीजिए सपोज C2 तो पॉइंट क्या होगा मिनिमा कहलाएगा ठीक है। ये था टोटल कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। अब यही अगर मान लीजिए मिनिमा है ठीक है तो इसके रिस्पेक्टिव में फंक्शन का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगे ना, ये मैक्सिमा है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फंक्शन का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगे ना, तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं मैक्सिमम। तो इसी को बोलेंगे एफ मैक्स। इस C2 पे फंक्शन का कोई मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे C2 पे जिसको बोलते हैं मिनिमा पे यानी कि C2 पे कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे ना फंक्शन का इसको हम बोलेंगे एफ मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मिनिमा में डिफरेंस है, मिनिमा है जो एक्स एक्सिस पे आएंगे और मिनिमम वैल्यू जो होगा वाई एक्सिस पे, उसी तरह से मैक्सिमा एक्स एक्सिस पे बताएगा और मैक्सिमम वैल्यू वाई एक्सिस पे बताएगा। क्लियर समझ में है। तो यहाँ पे भी लेंगे तो ये मैक्सिमा था तो इसके रिस्पेक्टिव में वाई का कुछ ना कुछ या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ देगा ना, तो ये एफ मैक्स ये क्या हो गया मैक्सिमम और यहाँ पे क्या आ जाएगा मिनिमम। क्लियर। चलिए तो मैक्सिमम और मैक्सिमा मिनिमम और मिनिमा तो दोनों तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन अब डिफिनीशन देखते हैं कि आखिर मैक्सिमम का और मिनिमम वैल्यू का डिफिनीशन क्या होता है और एग्जांपल से समझेंगे ठीक है। तो इसे नोट कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग ना मैक्सिमम वैल्यू का डिफिनीशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज फर्स्ट में एक एग्जाम्पल लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। क्लियर।
ये जब फंक्शन दिया हुआ है तो आप खुद बोलिए कि इसका डोमेन क्या हो सकता है। डोमेन रेंज सारा सेट रिलेशन में पढ़ चुके हैं ना, तो ये एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो यानी कहने का तो कि एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, रियल नंबर से, और इसी को हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। बात कहने का तो यही है ना, डोमेन ये दिया हुआ है। तो अब देखिए बात को समझिए, अगर बोले मैं कि अगर एक प्लस वन का होल स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर है ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी लीजिए पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, स्क्वायर क्या कर देगा उसको पॉजिटिव बना देगा, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ नेगेटिव, तो ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या ऐड कर दिए, टेन, तो दोनों तरफ टेन ऐड कर देने थे, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन लेस देन इक्वल टू टेन। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, वो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स लेस देन टू टेन। ठीक है ना, चलिए ना अब मान लेते कुछ वैल्यू लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। ठीक है ना, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ऑफ जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन, तो माइनस वन प्लस टेन क्या आ जाएगा, ये नाइन। ठीक है ना, चलिए तो टेन किसका वैल्यू आएगा फिर, अच्छा यहाँ अगर माइनस वन कर दो तो, चलिए यहाँ माइनस वन कर देते हैं, माइनस वन माइनस वन। बात तो वही चीज है ना, कुछ भी एक्स डालिए स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव देगा, उस पॉजिटिव नंबर का निगेटिव करेंगे तो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, प्लस टेन दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगा नहीं। ये पूरा का पूरा क्या था, फंक्शन था, तो लेस देन इक्वल टू टेन है। अब मैं अगर जीरो वैल्यू पुट करूँ यहाँ, ये क्या होगा यहाँ पे जीरो माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा। अगर एफ ऑफ वन पुट करो यानी एक्स इक्वल टू वन पुट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन, इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो यानी टेन आएगा। क्लियर ना, तो ये इम्प्लाइज है एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टेन कब आया, एफ ऑफ वन पे, ये हम बोल सकते हैं ना एफ ऑफ वन पे ये वैल्यू कंडीशन आया, ये कब, फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स का कुछ भी वैल्यू लीजिए। ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो भी लिया, वन भी लिया, उसी तरह टू थ्री फोर फाइव और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, किसी का वैल्यू लीजिए वन पे मैक्सिमम देगा, वन ग्रेटर देन होगा, चाहे एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, एफ ऑफ जीरो पे निकालिए, एफ ऑफ माइनस वन निकालिए, एफ ऑफ माइनस टू निकालते हैं, एफ ऑफ फोर निकालते हैं, तो ये ना हमेशा एफ ऑफ वन से छोटा होगा या तो इक्वल हो सकता है, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वन, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वन, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वन। तो जीरो माइनस वन माइनस टू फोर, ये है क्या सब रियल नंबर ही तो है, तो इस सब के जगह जनरलाइज हम क्या वैल्यू पुट कर दिए एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये चीज आया। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो देखिए बात को समझिएगा, क्या ग्राफ, तो वो कुछ वैल्यू पुट करते हैं उसका वैल्यू निकालते हैं। तो आप छोड़िए, मान लीजिए ना कि ये ग्राफ इस टाइप का आ गया। ठीक है, ये वैल्यू मान लेते हैं वन, ये टॉप पॉइंट यही है, तो इस वन पे वैल्यू कितना आया था, टेन आया था, और कुछ वैल्यू लिए थे जीरो। चलिए यहाँ पे अगर जीरो लेंगे तो क्या आएगा, नाइन आएगा, जीरो तो यहाँ पे है, तो वैल्यू ये ग्राफ इस तरह से जाना चाहिए, मान लीजिए नाइन है, और कुछ लिए थे कुछ और ले लीजिए माइनस टू भी ले लेंगे तो इधर आएगा,
तो किसी का भी वैल्यू लीजिए, वन पे ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम दे रहा है, तो इस वन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, और इस टेन को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं एफ मैक्स। तो इस एग्जांपल से हम डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मान लिया लेट एफ एक्स, ये फंक्शन जो लिया था ये कैसा फंक्शन है, एक रियल फंक्शन है, लेट एफ एक्स की रियल फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन लिया तो कुछ ना कुछ तो डोमेन डिफाइन होगा ना, तो मैं जनरलाइज एक डोमेन लेता हूँ इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो कोई मैं मान गया एक इंटरवल है ए बी, देन एफ एक्स इज सेट टू बी, हम ये फंक्शन लिए रियल फंक्शन, उसका कुछ ना कुछ डोमेन हुआ, तो इस डोमेन पे मैं क्या बोला कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, कब, जब ये कंडीशन होगा, तो देन एफ एक्स इज सेट टू बी मैक्सिमम वैल्यू इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर लेट सी सच दैट। अब ये सी का क्या लग रहा है, तो वही तो आया ना कि इस रेंज में कोई ना कोई एक यूनिक नंबर होगा, इसमें क्या गया वन, इस वन पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो वन के जगह हम क्या ले लेंगे सी सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू का डिफिनेशन हो गया। ये एग्जांपल अगर पहले समझ लिए उसके बाद ये डिफिनेशन इजी भी, अगर मैं पहले यही डिफिनेशन लिखता तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता, इसलिए मैं पहले क्या किया ना एक एग्जांपल लिया और समझा दिया, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्या था डिफिनेशन का, तो बुक में मिल जाएंगे डिफिनेशन, बस ये डिफिनेशन को समझाना था इस एग्जांपल के बेस से, ये जो मैक्सिमम वैल्यू का हुआ इसी तरह से मिनिमम वैल्यू का हो जाएगा, क्या मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए इसे नोट कर लेते हैं, है ना, नोट कर लीजिए, उसका फिर अलग बना बताता हूँ मैं, तो क्या स्पेस है नहीं, नोट कर लीजिए। मिनिमम वैल्यू के लिए डिफिनेशन देख रहे हैं हम लोग, फिर से अगेन मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद इस एग्जांपल के हेल्प से एक जनरलाइज डिफिनेशन निकालूंगा मिनिमम वैल्यू के लिए। सपोज मैं मान लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, क्लियर, चलिए तो इसका डोमेन क्या होगा, एक्स का वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसका कर्व देखिएगा, तो चलिए सपोज मान लेते हैं कि कर्व किस टाइप का है, ठीक नाउ अब ये यहाँ समझते हैं बात को, एक्स स्क्वायर मुझे ये बनाना है, तो स्टार्टिंग में दे दिया क्या एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होंगे, दोनों तरफ फाइव ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है क्या, एफ ऑफ एक्स ही तो है, तो हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। अब किस वैल्यू पे हमको डोमेन पता है कि रियल नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो नंबर फाइंड आउट करते हैं कि वो किस रियल नंबर पे फंक्शन का वैल्यू फाइव आएगा, चेक करते हैं वन बाय वन, जब कोई मान लीजिए एफ ऑफ जीरो ले लेते हैं, हाँ तो जीरो की तो आ गया जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव फाइव, और भी कुछ वैल्यू निकाल लेता हूँ, जैसे कि एक्स तो रियल नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव सिक्स, एफ ऑफ वन निकालते हैं
तो भी 6 आएगा। f ऑफ माइनस 3 निकालते हैं तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 ऑफ 5 14, ऐसा तो बहुत कुछ निकलेगा, निकलेंगे ना। तो 0 पे x का वैल्यू क्या लग गया, 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है 5, तो 0 कहाँ आ गया यहाँ पे, तो मान लेते हैं ना कि 0 यहाँ पे ले लिया है ऑरिजिन यहीं पे, बात कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। मान लिया कि ये 0 है, इधर निगेटिव भी तो आ सकता है, ठीक है। ये अगर वाई एक्सिस न लेते हैं इस टाइप के, मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, अब एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाने जा रहा हूँ। अगर बात करते 0 का तो 0 यहाँ रहता और 5 यहाँ पे रहता, ऐसा रहता, ठीक है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए 0 है, इसी 0 का वैल्यू कितना है 5, सब कोई मानते कि ये क्या है 5 आ गया। इस 0 को एट x इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमा, क्योंकि पिछले क्लास में अभी पीछे वीडियो में बताया ना कि लोएस्ट पॉइंट ऑन दिस कर्व एट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के डोमेन में वो कौन सा पॉइंट है जो लोएस्ट, 0। अब इस 0 पे x के 0 पे फंक्शन को कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना 5, तो इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू, इसी को बोल सकते हैं एक मिनिमम। अब चेक करते हैं, एक 0 है तो मान लीजिए आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, इधर जाएंगे तो अब क्या क्या दिया था, माइनस 1 दिया था, तो माइनस 1 पे क्या आया वैल्यू 6 आ गया, 1 पे क्या आया 6 आया, इधर दोनों का तो इक्वल ही है, यहाँ पे वैल्यू 6 आ गया। माइनस 3 पे क्या आ जाएगा और कहीं तो 14 आएगा। तो ये ग्राफ से पता चल रहा है ना कि एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए वो हमेशा बड़ा ही रहेगा एक्सेप्ट 0 पे। 0 लेंगे एक्स का वैल्यू तो 5 आएगा, यही सबसे कम मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का, और 0 को छोड़कर कुछ भी लीजिए माइनस या प्लस वो हमेशा बड़ा ही देगा, किससे 5 से। तो हम बोल सकते हैं ये चीज, अच्छा ये 5 आया कैसे, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ किस पे आया फाइव, 0 पे आया, कब आया भाई, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स का वैल्यू कुछ भी लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, 0 पे 5 आएगा, उसके बाद कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा 5 से बड़ा ही देगा, इसलिए कंडीशन हो गया। तो इसके हेल्प से हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए डिफिनेशन, मिनिमम वैल्यू के लिए मान सेम वही चीज, लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन, अब फंक्शन यहाँ पे क्या दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना रियल फंक्शन, हाँ, ऑन इंटरवल ए बी, इंटरवल यहाँ पे क्या था रियल नंबर, हम क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया, नाउ देन एफ एक्स इज सेट टू बी मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट, अब उस क्लोज इंटरवल में एक पॉइंट सी को एग्जिस्ट होना होगा सच दैट, जिससे कि फंक्शन का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, यही चीज ने किया हुआ यहाँ पे, फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर लेते हैं यहाँ पे इंटरवल ए बी दिया था, क्लियर, सी की जगह क्या था 0 और एफ एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर का वैल्यू, ये डिफिनेशन हो गया मिनिमम वैल्यू का, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़े, और जहां पे मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं उस के रिस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू आएगा फंक्शन का, जिस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव मिनिमम वैल्यू आएगा फंक्शन का, ये भी कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा
तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो इसके रिस्पेक्टिव मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। यदि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर लिया तो इसके रिस्पेक्टिव में फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो भी कुछ माइंड में डाउट होंगे और क्लियर हो जाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन और एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और बोल सकते हैं बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी ओपन इंटरवल। इसका ना क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर निकल गया तो मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि उस मैक्सिमम मिनिमम के रिस्पेक्ट में ही तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाले होंगे भाई, है ना। ये वाई एक्सिस पे आएगा और मैक्सिमम मिनिमम एक्स एक्सिस पे आएगा। तो इनपुट डालेंगे एक्स एक्सिस वाला, जब तक इनपुट नहीं डालेंगे तो आउटपुट कहां से निकलेगा। चलिए तो अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ बनाना यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाना आप लोग क्लास इलेवेंथ में सीख गए हैं। इसका अगर ग्राफ देखे हैं तो ग्राफ इस टाइप का होगा, ठीक है। अब डोमेन क्या है, रियल नंबर। ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि मैक्सिमम इसका कितना होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए f of x equal to x cube plus 1 है। अब x यानी कि डोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना, x equal to 0, 1, minus 1, minus 2, ऐसे तो बहुत कुछ होगा। सपोज मैं मान लीजिए f of 0 तो क्या आएगा, 1। f of 1 लिया क्या आएगा, 1 लिया तो 1 का क्यूब 2 आएंगे। f ऑफ माइनस वन लिया तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस वन जीरो आएंगे। और f ऑफ माइनस टू ले लिया तो माइनस टू का क्यूब माइनस एट, माइनस एट प्लस वन माइनस सेवन आएंगे। ऐसे तो हम बहुत कुछ करते जाएंगे तो और कुछ ना कुछ कुछ तो निकलते जाएगा, ठीक है। तो अगर सेट का ही कॉन्सेप्ट समझे, ये डोमेन हो गया, इधर रेंज अगर मान लीजिए तो ये क्या क्या ले रहा हूँ, 0, 1, माइनस वन, माइनस टू, ये तो पूरा रियल नंबर ही है। तो 0 के रिस्पेक्ट में क्या आ गया आपको, 1, 1 के रिस्पेक्ट में 2, माइनस वन के रिस्पेक्ट में 0, माइनस टू के रिस्पेक्ट में माइनस सेवन। तो ऐसे अगर सोचिएगा ना तो आप देखने से अभी अभी तो बहुत बड़ा नंबर दिया, बहुत नंबर है ना, हाँ, लेकिन डोमेन में तो छोटा नंबर 0 था। तो आप सोचिएगा कि 0 पे सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है, नहीं माइनस वन पे आ रहा है, ऐसे कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। बात को समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैं 0 लिया डोमेन तो आउटपुट 1 आ रहा है, माइनस वन लिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका 0 कहाँ पे आ रहा है भाई, देखिए तो इस फंक्शन का 0 एग्जिस्ट कर रहा है। इससे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप थोड़ा सा सोचिए, अगर एज इंक्रीज कर रहा है, जैसे मैं मान लीजिए ऐसे बढ़ रहा हूँ, एज इंक्रीज कर रहा है तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो और वाई कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जाएगा। एक्स का वैल्यू इधर ही बढ़ा रहा है या घटा रहे हैं, जो भी हो इधर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। जैसे कि एक्स का वैल्यू अगर घटा रहे हैं तो वाई का भी वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसमें फंक्शन का वो मिनिमम वैल्यू तो फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा ना हम लोग। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू घटा रहे हैं इधर से माइनस वन माइनस टू तो वाई का वैल्यू भी घट रहा है, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा कहाँ से, बस पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं नहीं बात, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप होना चाहिए, हो ही नहीं रहा, इंक्रीज कर रहा है इन्फिनिटली। तो इस केस में बोल सकते हैं एफ मिनिमम
डू नॉट एग्जिस्ट एंड एफ मैक्सिमम ऑल्सो डू नॉट एग्जिस्ट। जब एफ मिनिमम ही नहीं एग्जिस्ट हो रहा है तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम कहां से एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑल्सो डू नॉट एग्जिस्ट। कॉन्सेप्ट क्या है भाई कि जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ा है इंफिनिटली, एक्स घटा रहे हैं तो वाई भी इंफिनिटली घट रहा है, तो वैल्यू ही नहीं पता चल रहा है ना। अच्छा और देखते हैं, जैसे ये फंक्शन है एक्स क्यू प्लस वन, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्स क्यू ग्रेटर देन क्या है ये इक्वल टू जीरो है, ये दिक्कत नहीं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये डोमेन से देखिए, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है यानी एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसको हम बोल सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी और लेस देन इंफिनिटी, तो एक्स क्यू भी तो यही रहेगा, प्लस वन भी कर दीजिएगा तो भी लेस देन इंफिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, तो एक्स क्यू प्लस वन क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में ही रहेंगे। समझ रहे बात? तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो अब इस ये क्या है ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब कि इंफिनिटी इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इससे छोटा तो इनफाइनाइट नंबर है, तो कौन सा इनफाइनाइट नंबर ले भाई? क्लियर? अगर इस इंफिनिटी का बात करें तो ये ओपन इंटरवल है तो इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, तो इंफिनिटी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो इंफिनिटी से कौन सा छोटा नंबर ले? इनफाइनाइट नंबर होते हैं पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कंक्लूजन बोल दें इन ओपन इंटरवल मैक्सिमा मिनिमा या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओपन इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम या फिर उसके रिस्पेक्टिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक एग्जांपल था जो ये कॉन्सेप्ट। अब एक और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स मैंने लिया एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, नो मैं ले लेता हूँ इसको जीरो से वन ओपन इंटरवल, तो इसका ग्राफ देखते हैं जीरो नॉट इंक्लूडेड है, जो यहाँ पे डोमेन ले रहा हूं ना ये जीरो नॉट इंक्लूडेड, इसलिए यहाँ पे डार्क नहीं बनाएंगे और यहाँ हुआ तो जीरो इनपुट देंगे तब फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा जीरो, इसलिए यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड। वन लेंगे नॉट इंक्लूडेड तो वन देंगे तो क्या आएगा वन आएगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, अब वन पे नॉट इंक्लूडेड है तो ये लगा दिया। क्लियर ना? आप देखते हैं जीरो तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो एफ मिनिमम लेस देन जीरो होगा। समझ आ रही बात? जब ओपन इंटरवल है जीरो नॉट इंक्लूडेड होते हैं तो जीरो नॉट इंक्लूडेड है इसका मतलब कि एफ मिनिमम जीरो से छोटा होगा, ठीक है नहीं और ग्रेटर देन जीरो होगा, कंफ्यूज है ना, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जीरो से बड़ा तो इनफिनाइट नंबर है, अब वो कौन सा नंबर ले फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे एंड एफ मिनिमम डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? रीजन देंगे बिकॉज सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ग्रेटर देन जीरो। अच्छा ये तो एफ मिनिमम, अब एफ मैक्सिमम का बात, एफ मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब एफ मैक्सिमम का बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये आएगा वन ही ना आएगा, तो वन तो नॉट इंक्लूडेड है, वन तो आएगा ही,
जब वन हम यहाँ देंगे नहीं इनपुट, तो वन आएगा कहाँ से? क्योंकि वन क्या है, ओपन इंटरवल है, तो वो जब भी होगा तो लेस देन वन होगा। अब अगेन हम बोल सकते हैं कि वन से छोटा तो इनफाइनाइट नंबर होगा, उस इनफाइनाइट नंबर में कौन सा वैल्यू होगा जो मैक्सिमम होंगे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? इस कंडीशन के अनुसार हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इतना ही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम बोल सकते हैं यही स्टेटमेंट एफ दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैक्सिमम मैक्सिमा भी क्या होगा, डू नॉट एग्जिस्ट। रीजन ये वाला, क्लियर। इसको ना और भी दूसरे तरह से बना सकते हैं, इसका तो काम है नहीं, इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये तो ग्राफ को देख के हुआ ना, जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये रेंज मेथड, रेंज को फाइंड आउट करके, ये भी क्या निकाला हूँ, रेंज को फाइंड आउट करके, ये फंक्शन का रेंज निकल गया ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इसका भी रेंज निकालते हैं। देखिए एक्स जीरो से वन, इसका मतलब कि ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन, जीरो से वन के बीच में ही नंबर होगा ना, वो एक्स। चलिए तो एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये भी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, यानी क्या निकालो कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो वन। अब क्योंकि ये क्या है, ये जीरो ओपन इंटरवल नॉट इंक्लूडेड, जब नॉट इंक्लूडेड है तो हम बोलेंगे यहाँ पे एफ मिनिमम नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जीरो वन जो भी इनफाइनाइट नंबर है, जीरो नॉट इंक्लूडेड है, तो उस इनफाइनाइट नंबर में जीरो को छोड़कर कौन सा नंबर लें कि एफ मिनिमम आ जाए, पता ही नहीं कर पाएंगे भाई। फिर अगेन वन ओपन इंटरवल है, मीन वन इज नॉट इंक्लूडेड, तो वन इंक्लूडेड नहीं है, तो वन से छोटा नंबर इनफाइनाइट नंबर है, हम क्या ले, कुछ नहीं ले सकते, तो एफ मैक्सिमम वी डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए यहीं पर थोड़ा कुछ और बता देते हैं कॉन्सेप्ट को, ओपन लेवल पे बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो इरेज कर दूं नहीं सर, जरूरत तो है नहीं। माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, यदि सर ये ओपन इंटरवल ना रहा तो क्लोजिंग इंटरवल रहता, तब तो हो जाता था। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रहता और जीरो इन क्लोज इंटरवल रहता, वन ओपन इंटरवल रहता, तो ग्राफ ऐसा हो जाता, इस जीरो पे इंक्लूडेड रहता, इस वन पे नॉट इंक्लूडेड रहता, तो हम बोल सकते थे कि एफ मिनिमम क्या होते जीरो, और मिनिमा का हो जाता जीरो हो जाता, बट एफ मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब उसी अनुसार मैक्सिमा भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन यहाँ पे यही मैं कहता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जीरो वन, वन पे क्लोज इंटरवल और जीरो पे ओपन इंटरवल, तो ये जब ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट कौन, मिनिमम वैल्यू, लेकिन वन इंक्लूडेड है तो हम एफ मैक्स बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू वन आएगा और मैक्सिमा क्या होगा, वन ही रहेगा। तो मेरे बात, और यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रहता और क्लोज इंटरवल रहता तो हम बोलते कि ये मिनिमम वैल्यू होता और ये मैक्सिमम वैल्यू होता, और इसी पे मैक्सिमम हो जाता, ये मिनिमम होता और ये मैक्सिमम हो जाता। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये एग्जांपल से तो यही क्लियर हुआ कि कोई फंक्शन है उसका डोमेन ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में कंक्लूजन करके एक लिख लीजिएगा, पॉइंट इन ओपन इंटरवल वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमम और मिनिमा के रिस्पेक्टिव में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए और एग्जांपल तो जी नोट कर लेते, देखते हैं और कुछ एग्जांपल है। एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स,
और x बिलोंग टू एरिया नंबर, ठीक है। इसका डोमेन देख लेता हूँ, क्वेश्चन रियल नंबर ही है। अब मैं जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो भी अभी तक बताया ना, तो वो तो ग्राफ को देख के एनालाइज करना कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर फंक्शन का रेंज निकाल कर उसके हेल्प से। क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी में तो इस तरह से होंगे नहीं, हो सके तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो सब बताएंगा भाई, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम को पहले समझना था कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन मैक्सिमम होंगे, कौन मिनिमम वैल्यू होंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से भी। तो भाई जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता देता है कि कौन किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का क्या जरूरत पड़ गया, क्यों नीड पड़ गया, वो सारा कॉन्सेप्ट उसका रीजन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए लास्ट एक एग्जाम्पल, तो इसका ग्राफ देखिए, तो मॉडुलस फंक्शन का तो ग्राफ जानते हैं कि इस टाइप का होगा। चलिए रेंज अगर फाइंड आउट करूं तो जानते हैं कि मॉडुलस का जो वैल्यू होगा हमेशा जीरो और इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा। मॉडुलस हमेशा कुछ ही दीजिए जीरो इन्फिनिटी के बीच में ही रहेगा। मॉडुलस क्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, यानी कि जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, कहने का मतलब कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू जीरो से इन्फिनिटी। अब ये देखिए ये जीरो आ सकता है, हाँ जीरो, तो ये इक्वल टू होगा, तो ये क्लोज इंटरवल ये ओपन इंटरवल, कहने का मतलब कि इसका मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या है तो बोल सकते हैं एफ मिनिमम इक्वल टू जीरो, और मिनिमम भी क्या होगा वन मिनिमम जीरो। लेकिन इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एफ मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, यही रीजन बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड रहने के चलते मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे भी देखिए जीरो है, तो जीरो पे वैल्यू जीरो दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू का फंक्शन बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा, कहाँ तक भाई इनफिनिटी, पता ही नहीं चलेगा ना कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव करेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, पीछे पीछे पकड़ के चलिए इनफिनाइट, कई पॉइंट पे पहुंचेंगे इनफिनाइट पे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज ना मेरे लिए समझे कि वरदान है, एक एनर्जी का काम करेगा, अच्छा रहे खराब रहे सीखने को मिलता है। हाँ आप लोग हैं कमेंट किए हैं, हाँ सर ये टॉपिक प्रॉब्लम था, ये टॉपिक में प्रॉब्लम था, तो आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाऊंगा वो हो जाएगा, तो और एनालाइज करके अच्छे से और बताऊँ, ठीक है। तो वो फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंजॉय करिए, और इम्पोर्टेंट बात सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।